तेज बोलो भाई, अभी आपसे तो कम नहीं बोलता हूँ, फिर भी आप ज्यादा बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, करियर सेट करने करियर और ड्रीम पूरा करने के लिए और कई लोग हाथ उठाए थे, बता दे आपने उठाया था ना, मुस्कुरा रहे हो। आपने स्मार्ट वैली क्यों शुरू किया? ड्रीम्स को पूरा करने, ठीक है, लेकिन देखिए ड्रीम्स पूरा करने के लिए ड्रीम बुक बनाना होगा। कोई लाया है किसी का ड्रीम बुक बना हुआ? इन्होंने बनाया होगा, दिखा दीजिए। पैसा लगाया कि मुझे इतना पैसा कमाना है, उसके बाद घर और बाइक लगाया है, और कार इसमें से फाइनल कौन सा है? दो और चार एक पाँच है, फाइनल कौन सा है इसमें? सर जी बीच वाली का, बीच वाली इसी को लगाना है, बड़ा पिक्चर में फोकस एक ही जगह करना है, चार पे फोकस करेंगे तो पता चला एक ही आया, एक को फोकस करना है। सर जी और आपने कुछ नहीं लगाया? सर जी रख रखे हैं, रखे हैं सर, चुप रहे ना। रिपोर्ट कार्ड है दोस्तों, पर इसमें आपका ड्रीम बुक तो आपने बनाया है, ये अच्छी बात है, लेकिन ड्रीम बुक में आपने ये भी लिखा है, प्राइज भी लिखा आपने, विजन और एस्केप भी लिखा है, आपने इस पर ये नहीं लिखा मुझको ये पाने के लिए डेली का कितने घंटे टाइम देना है, क्योंकि आप मान लीजिए मुझे अगर कार्ड चाहिए तो मैंने फोटो लगा दूंगा, मैं भी घर पे आंडे रोड पे चलते सब बोल रहे फोटो लगाने घर में कार आ जाएगा, उसके पीछे काम आपको लिखना है कि मैं डेली कितना इन्वाइटी करूँगा, कितना फॉलो अप करूँगा, कितना प्लान शो करूँगा, कितने लोगों से मिलूँगा, और मेरी टीम कितने हो जाएंगे और इतने पैसे आ जाएगा जिससे यस सर। अगर आप गोल और टारगेट को काम से जोड़ दोगे तो कामयाबी आना है और निश्चित ही आना है, अगर सिर्फ गोल ही देख रहे सपना ही देख रहे हो, फोकस अपना कर रहे हैं तो फोकस अच्छी बात है, मोटिवेशन है, सिस्टम कहता है फोकस करिए लेकिन उसके साथ काम भी जुड़े, ठीक है जी। तो ड्रीम बुक लगाना है, दैन इस ड्रीम बुक में एक चीज़ इम्प्रूव करना है आप सभी लोगों को, yes. तो क्या इम्प्रूव करना है, जितने अगर यहाँ पर कोई गर्ल्स है जो ड्रीम बुक लेकर आया हो अपना, हमारे टीम में कोई लेकर आया हो वुमेन ड्रीम बुक किनका है? निकाल दो ना जी भाई, गर्ल्स का मामा मैंने भाई, गर्ल्स है तो अपने ड्रीम बुक दिखाया, आपका भी देख लेते हैं, इन्होंने भी सेम ऐसे ही लगाया है, कोई दिखाए कोई लड़कियाँ अगर हमारे टीम में है और उन्होंने कोई ड्रीम बुक लेकर आया हो कहाँ रखा है? अजी इतना विलम्ब हो रहा है आपका ड्रीम पाने में, हमारे हमारे काम में हमारे बिजनेस में ड्रीम बुक बहुत जरूरी है, अगर आपके वो सपने नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो क्या बिजनेस में मैं जहाँ भी हूँ आपके ड्रीम की वजह से, अगर मेरे में ड्रीम नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, बाकी आप लोग नहीं लाए ड्रीम बुक बनाया है या हमें भी चल रहेगा लाए, अच्छा आप भी घर छोड़ा है, ठीक है। अच्छा आप बता दो, आप एक मिनट गौतम जी, क्या नाम है? यदि गौतम ये किसका? भावना जी का है, एक बार जोरदार तालियों से आईडी नंबर भी लिखा है आपने, साथ लेवल भी लिखा है, और देखो ये कितना अच्छे से सजा के बनाया गया है, आपने अपना ड्रीम पर चेक करो थोड़ा, और इसमें लाइट भी लग रहा है, थोड़ा नया भी है वजह से भी लाइट हो सकता है, लेकिन चीज वही कॉपी किया गया है जो उसी ड्रीम बुक में अलग नहीं है, इसमें नहीं कॉपी किया गया है, फिक्स है। सभी लोगों को मैं ड्रीम बुक क्यों चेक कर रहा हूँ, इस ड्रीम बुक में आपको बता दूं मैं बिजनेस में आया था तो सबसे पहले मैंने ड्रीम में लिखा था मेरे फादर पे जितने कर्ज है वो छुपाऊंगा स्मार्ट वैली में काम करके, मैंने दूसरा ड्रीम बुक में लिखा था अपने सिस्टर का शादी के लिए पैसा कमाऊंगा और मैं पूरा पैसा खर्च करूंगा,
ट्रिब्यूट में लिखना जरूरी है। मेरे गांव में घर थे और हम लोग जब छोटे थे और बारिश होता था तो पानी टूट कर रखता था और हम लोग सो नहीं पाते थे। मैंने ट्रिब्यूट में लिखा कि मैं अपने पापा के लिए घर बनाऊंगा, पक्के मकान बनाऊंगा। और मैंने ट्रिब्यूट में लिखा और जो कुछ मैंने ट्रिब्यूट में लिखा था आज उससे कई गुना ज़्यादा मैंने अपने फैमिली में कर दिया इस सिस्टम के वजह से। पर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो नहीं होता। तो आप अपनी फैमिली ड्रीम्स कहाँ है इसमें? इसमें तो आपका खुद का ड्रीम है, खुद के लिए तो हर आदमी जीता है ना। यस सर, फैमिली के लिए भी जीना जरूरी है ना। अपने छोटे भाई के लिए क्या करना है, बहनों के लिए क्या करना है, बहन के कौन से, ठीक है, जिस कॉलेज में आप नहीं पढ़ पाए या जिस स्कूल में आप नहीं जा पाए, बहन को उस कॉलेज में पढ़ाना है या भाई को उस कॉलेज में पढ़ाना है, ठीक है, इसके लिए मुझे पैसा कमाना है। पापा और मम्मी, भावना जी को पापा और मम्मी जब यंग थे, हमारे पापा और मम्मी जब उनका मैरिज हुआ तो उनको उस टाइम पर बहुत सारे सपने होंगे ना। यस सर, बहुत सारे सपने थे, कुछ करना है, ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा घूमने जाएंगे और इतना पैसा होगा। लेकिन जब हम जन्म लिए, आप जन्म लिए, तो सारा सपने किसमें देखने लगे? हमें, आपको देखने लगे और आपको पढ़ाने में, परवरिश करने में, उन्होंने आधी जिंदगी अभी तक को दे चुके है ना। कम से कम अगर आपके पापा का एज 35, 42, 43 तो भी रहा, आधी जिंदगी तो आपको परवरिश करने में लगा चुके हैं। आपकी जिम्मेवारी क्या नहीं बनता जो स्मार्ट वैल्यू में मैं मेहनत करूं और मैं अपने पापा को एक ड्रीम कार खरीदूँ, पापा को कार घूमने का पसंद है वहाँ मैं लिखूँ ड्रीम का, क्या कर रहे हैं ड्रीम बुक में, एक पेज में जिस भी अल्लाह ईश्वर को आप मानते हो आप उनका नाम लिख लीजिएगा, देन उसके दूसरे पेज में यहाँ पर पापा का फोटो, पापा का सारे सपने लिख सकते हैं बता करके, मम्मी का फोटो, मम्मी का सपने, भाई का फोटो, भाई का सपने, भाई को क्या जिस कॉलेज में आपका पढ़ने का सपना था, जिस एजुकेशन को आपको स्कूल लेने का सपना था आप नहीं ले पाए, लेकिन वो ड्रीम्स अपने भाई में तो आप लिख सकते हो। yes. अपने सिस्टर को, आपकी सिस्टर शादी के लिए पापा दिन और रात मम्मी ये टेंशन में जी रही है कि शादी कैसे करेंगे, 10 लाख रुपये चाहिए, 15 लाख रुपये चाहिए, 20 लाख रुपये चाहिए, क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? yes. कि मैं लिखूँ कि अपने सिस्टर के शादी में पापा को 5 लाख रुपये हेल्प करूँगा अगले 4 साल में, अगले 5 साल में, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? यस सर, सिस्टर को गिफ्ट करूँगा, ये स्कूटी फिट पे गिफ्ट करूँगा, ये आपको जिम्मेवारी नहीं है? yes, तो राखी बनाने का है, ये भी तो है, टाइम के लिए कुछ करना है। उसके बाद और दादा और दादी है जिंदा तो सबसे टॉप में फोटो उनको लगा देना। yes. उनके लिए ड्रीम, अरे वो भाई हेड ऑफ फैमिली तो वहीं से स्टार्ट हुई है ही नहीं है। तो ये ड्रीम्स है, फैमिली ड्रीम्स, आपको फैमिलीज के लिए और देन अपना ड्रीम्स, घर हो, एक कार हो, एक बाइक हो, ठीक है, बिजनेस के लिए बेसिक चीज आपके पास होना चाहिए। इस बिजनेस में आप ले सकते हो जो चीज़ इसमें लगाओगे और इस ड्रीम बुक में जो कुछ भी आपने लगाया है फ्रेंड, आपके जैसा मैं था, इवन आप मेरे से कई गुना ज़्यादा प्लस में हो, मैं आपके तरह सपोर्ट नहीं पूरा कर पाया, मैं फादर को पैसे नहीं दे रही, आपके तरह मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं था, अकेला आया था, आपको बताया मैंने 250 रुपये मिले थे घर से, कुछ नहीं था मेरे पास जब आया था, इतना सपोर्ट नहीं था, उसके बावजूद भी इस बिजनेस में मैंने स्टार्ट करके और अपने आप को आज दिल्ली में घर, एक प्रीमियम मॉडल कार बलेनो ड्राइव करता हूँ, एप्पल जैसा मोबाइल इस बिजनेस से मैंने परचेज कर लिया और ये गांव में अलग और यहाँ पे अलग कर लिया। जो भी कुछ ड्रीम बुक में लगाए हो ना, आज ऊपर वाले का आशीर्वाद से और सीनियर के सपोर्ट और मदद से और आशीर्वाद से इस ड्रीम बुक में जो कुछ भी लगा रखूँ अचीव कर दूँ। मेरा कहना इतना है, जब इस बिजनेस में कोई एक इंसान सफल हो सकता है ना, और उन्होंने कर देखा है जो आपने ड्रीम बुक में लगाया है, इवन इससे बड़ा वाला तारा मेरे सीनियर के पास है, तो उनका हो गया, जब हमारा हो सकता है ना, आपका क्यों नहीं होगा? हो सकता है सर, क्यों नहीं होगा? होगा, ये सवाल पूछिए ना, उसे क्यों नहीं कर सकते आप? क्या ये बिजनेस और क्या और एक समुद्र में तार बिछाना, आज के टाइम में तो वाईफाई है, तार समुद्र से आता है हमारे पास, नहीं
उससे ज्यादा कठिन है क्या इन्वाइट ही करना? ना सर। क्या पहाड़ों का टनल खोदना वो इंजीनियर लगा रहता है ना, पढ़ लिख के और वर्कर लगा रहता है, उससे ज्यादा कठिन है क्या स्मार्ट वर्क करना? दिल्ली में आधा से ज्यादा मेट्रो जमीन के नीचे चलती है, क्या उससे ज्यादा कठिन है क्या स्मार्ट वर्क करना? उससे ज्यादा रिक्शे क्या स्मार्ट वर्क करना? कोई टनल गिर गया तो उसी के अंदर रह जाएगा आदमी, इसके लिए करना है पैसे कमाने के लिए। सोचिए कितना रिक्स भरा हुआ काम लोग काम करते हैं पैसे के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग में लोग लटक के शीशा साफ कर रहे होते हैं, पोताई कर रहे होते हैं, इसलिए पैसों के लिए दोस्त, पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सिस्टम एक वैल्यूएबल प्रोग्राम जो कि यहाँ पे लोगों का करियर डेवलप होता है, लोगों का व्यक्तित्व डेवलप होता है, लोग अपनी फैमिली को सिक्योर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, उस काम को करने में तो और आपको मजा आना चाहिए। कई गलती का है आप रिजेक्शन का शिकार हो जाते जिसको ऐसा डर जाता, तो ये कहीं ना कहीं आपको ब्रेक करता है, आपको रिजेक्शन आगे बढ़ने। सब लोग जितने भी है क्या ड्रीम बुक तैयार होगा? Yes, sir. क्या आप अपने ड्रीम बुक फैमिली और अपना ड्रीम बुक बनाएंगे? Yes, sir. आपको बिल्कुल नहीं सोचना ये कैसे पूरा होगा, बिल्कुल मत सोचना, ये आपका काम ही नहीं सोचना कैसे पूरा होगा, आपका काम जो सीनियर बोला वो करना। Yes, sir. ड्रीम बुक बनाना, सीनियर ने बोला इसमें गोल सेट करना, क्योंकि yes. तो ड्रीम बुक का पिक्चर लगा लिया तो आएगा नहीं, नहीं। पर मैं 22 तुम 16/3/2023 आपने ये बोल दिया खुद को कि मुझको बाइक परचेज करना है, मोटरसाइकिल परचेज करना है। अब क्या हुआ, अब आपका पिक्चर तो इसमें लगा है, ये पर सिर्फ पिक्चर्स है, लेकिन जिस दिन आप उस पिक्चर डालने डेट डालोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लक्ष्य, और शॉर्ट टर्म लक्ष्य 1 ईयर का होना चाहिए। यस, शॉर्ट टाइम का जो लक्ष्य होगा वो लेंथ 1 ईयर का होगा, आप बनाइए जरूर। और लेवल आप लिख सकते हो, 1 साल के अंदर मुझे सिल्वर बनना है, कम से कम सिल्वर बनना है 1 ईयर, और आपको कैपेबिलिटी ज़्यादा है आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हो गोल्ड में लिखोगे। यस, गोल्ड में आपको 2 लाख रुपये लगभग इनकम होगा, सिल्वर में लगभग आपको 90,000 के आसपास इनकम होगा। क्या बाइक नहीं आएगा? यानी पहला गोला 25% जो भी इंसान बोल, जब तक आप डेट नहीं डालोगे लक्ष्य में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो लक्ष्य आप जरूर सेट कीजिए। तो क्या आपने देखा कभी कोई क्रिकेट खेल रहा हो और विकेट ही नहीं हुआ, खेल रहा है, खेल तो खैर महीने निकलेगा, बाउंड्री नहीं है क्रिकेट में, सिर्फ बॉल मार रहा है, आउट होगा कभी? नो सर। फुटबॉल इसको पूरा करने के लिए आपको पास एक मजबूत लिस्ट होनी चाहिए, और कम से कम लिस्ट में 200 लोगों का नाम होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में जब आया था मुझे लिस्ट तक नहीं बनाने आता था, सोचो ऐसा इंसान था जो मैं लिस्ट भी नहीं बना सकता था, मैं लिख नहीं सकता था, लेकिन मैं फिर भी बिजनेस में अपने आप को कभी बहाना नहीं किया कि मैं लिखना नहीं आता तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, लिस्ट नहीं बना पाऊँगा। भाई और भी तो बहुत सारे लोग दुनिया में पढ़ा लिखा है, वो किस काम आएगा? मेरे रूम पार्टनर था उसको बोला भाई, मैंने उसको पूरा बेसिक ट्रेनिंग दिया, उसने मेरा लिस्ट बना दिया, मैंने नाम बताया सारा, फोन नंबर का फोन बुक में गया, सारा नाम बताते हुए गया और लिखता गया। उसके बाद आपके घर में विजिटिंग कार्ड होता है, आपके डायरी में बहुत सारे लोगों का नाम नंबर लिखा होता, सब उठा के लिस्ट में डाल दो, सबका नाम नंबर, आपके घर में एल्बम होता है फोटो एल्बम, वो निकाल लो, फोटो पंटो के नाम याद आ जाए, ऐसे याद नहीं आएगा कौन चाचा जी कौन उपाध्याय थे कौन सी शादी में, लेकिन तो फोटो देखोगे तो याद आ जाएगा, याद आ जाएगा, आप उनका नाम लिख लेना लिस्ट में, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग नए साल में विजिटिंग कार्ड एक दूसरे को देते रहते हैं, अब लोग रख देते हैं घर में उसको ढूंढने चल रहा होता है, उसको ढूंढो उसको निकालो, उसका नाम आपको याद होगा लिख लो, लेकिन ग्रीटिंग कार्ड देने वाले का नाम याद रहता है इंसान का। यस, ये हंसने वाली बात है भाई, याद रहता सर जी। यस सर, कोई कुछ गिफ्ट देता है तो याद रखता है ना? यस सर। तो फ्रेंड लिस्ट बनाने का ना बहुत सारे प्रक्रिया जिसमें आप एक अच्छा लिस्ट तैयार किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठे हुए बेसिक ट्रेनिंग को एक बार दो बार सामने ले जाए। यस सर। जो बोलता है ना फ्रेंड्स कोई जो हम बोलते हैं FORM फ्रेंड्स कोई इस तरह से फ्रेंड्स को लिखता हूँ,
उसमें आपको लिस्ट स्टोरी पे बनाने के लिए कितने लोगों को मिला है पेन सबको यस सर खाएगा मेरा बैग एक तो ये जब गोल को सेट करते हैं तो ये काम आता है कि आपको ये स्पेसिफिक होना चाहिए क्लियर होना चाहिए क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए कितने लोगों ने लिखा है सर यस सर आपने आपने लिया है इस वाले मैथड पे आपको लिस्ट बनाना है और इन्होंने बहुत अच्छा से लिखा है उसके आगे क्वांटिटी भी डाला हुआ है 10 ग्रुप का नाम लिखना है उसके बाद रिलेटिव तीन सौ रिलेटिव है बहुत बड़ा लिस्ट है किसका है 300 रिश्तेदार है इसी में आप 300 है पूरा प्लान भी नहीं देखा हूँ फिर भी कामयाबी मिल चुका हुआ एक प्लान दिखाना चाहिए सभी को देन अदर स्टेट में कोई नहीं है नहीं है आपका जियो का दुश्मन नहीं है आपका है ना नेवर क्रोसी है क्रोसी बहुत कम लिखा आपने क्योंकि क्रोसी हमारा ज़्यादा होता है यस सर हाँ 100 हाँ 100 तो क्रोसी होता ही होता है आस पास में आजू बाजू वाला सबका नाम लिखना है आपको ठीक है ना और डॉक्टर लिखा आपने दो क्या लिखा आपने लास्ट ड्रीमर्स जो सपने देखते हैं सर ड्रीमर्स सपने से आदमी बोलते हैं तो बेसिक ट्रेनिंग जब आप ले रहे हैं ना और लिस्ट इसी थोड़ी पे बनता है मेरा कहने का मतलब ये है और क्या यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग लिया है yes, सब लोगों ने लिया है yes, तो ये चीज तो समझ में आ रहा होगा ना क्योंकि जो आदमी बेसिक्स लिया है उसको जल्दी से समझ में आएगा कि yes. क्या होता है या नहीं है yes, तो आगे बढ़े yes, तो देन आपको लिस्ट थोड़ी पे मेहनत करना है और कम से कम 200 लोगों का लिस्ट बनाओ क्योंकि ये लिस्ट ही है जो आपने ड्रीम तक पहुँचाएगा ये लिस्ट ही है जो आपको सपने को पूरा करवाएगा ये लिस्ट ही है जो आपको सारा टीम बना के देगा इसीलिए लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में लिस्ट है तो आपका सफलता है लिस्ट नहीं तो आप सफल नहीं है तो आप कोई भी इंसान ये सोचे बेगर लिस्ट बना के मैं स्मार्ट वूमन ग्रो कर जाऊँगा और कामयाब हो जाऊँगा तो ये आप गलत सोच रहे और लिस्ट में जो अगला कदम आता है वो क्या आता है इनवाइट ही करना लोगों को इनवाइट करना लोगों को आप इन्विटेशन करेंगे आप में से कितने लोगों ने लोगों को इनवाइट किया है यस सर आपने किया है ना यस सर और आपने नहीं किया क्या आप लोगों ने इन्विटेशन किया है कितने ये लोग कर लेते हैं इनवाइट किया जाता है आपका किस किस में इनवाइट किया इनवाइट ही आता है लेकिन इनवाइट करने आता है लेकिन इनवाइट ही नहीं आता है क्या रीजन हो सकता है कि हम काम नहीं करते टाइम नहीं देते तो कोई जो अच्छे से इनवाइट करना है तो यहाँ आ जाइए आप आ जाओ यहाँ खड़े हो जाओ और दूसरा कौन आ सकता है राम आ जाओ आप और बाकी लोगों का काम क्या है कि ऐसे इनवाइटिंग को करते हैं उनके क्वेश्चन को आंसर को हैंडल करते हैं वो आपको अच्छे से सुनना है और आपको जब इनवाइटिंग करने जाए तो वो सारी बातें ध्यान रखना है तो ये आपका दोस्त है और ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कॉलेज में ऐसा मान ले ठीक है और आप इनको इन्वाइट करिए और ये आपका दोस्त है समझ लो दोस्त क्या खाता है क्या पीता है क्या उसका पापा करता है और कौन चीज ऐसे दे दो उस वेज से जाते हैं ऐसे ही दे दो कॉल करें तो आप इनवाइट करिए बढ़िया मैं
यार संडे में तो फ्री रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ, मेरे साथ ही रहता है। कहाँ जाना है ना? कहाँ जाना है, ऐसा क्या काम है? ज्यादा थोड़ी नहीं है, ढाई घंटे का काम है, साथ में चलना है। भरोसा है जो भी लोगों को मौका मिले ना इनवाइट होने और इनवाइट करने तो सारा टैलेंट यहाँ वो इन्वाइट ही करते हो, दिखाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कहीं हो सकता है जो बातें आप पूछ रहे हो आपको मिला हो लेकिन दूसरे पर्सन को नहीं मिला, तो सैंपल जो इन्विटेशन का फॉर्मूला है इन्वाइट ही करने जब जाते हो तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। और वो भी चीज़ मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ और उनमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है आपको। इन्वाइट ही जब करें आप नीड बेस्ड इन्वाइट ही करना है आपको, ज़रूरत पैदा करना है या जरूरत होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। कम से कम गर्मी पास होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए करियर को लेकर और गुड फैमिली होना चाहिए, कोई चोर चक्का डकैत नहीं होना भाई। अमीर और गरीब से कोई लेना देना नहीं होता, गरीब आदमी बहुत अच्छा होता है, एक अमीर आदमी हो बहुत बड़ा अदमास है, ऐसे लोग अगर आपकी टीम में रहता तो बिजनेस नुकसान करेगा ना, तो बिजनेस बहुत ही अच्छा है प्रोफेशनल से। तो आप इन्वाइट करने टाइम पे ऐसे लोगों को प्लान में ना बोला, ये ध्यान रखिएगा। और डरना मना है और शर्म करना मना है, अगर आपको डर लगता है और शर्म आता है इन्वाइट करने में तो आप बिजनेस में कहीं ना कहीं जो आपको सफलता चाहिए जो तरक्की चाहिए आप नहीं कर पाते, वो आपको ब्रेक करेगा। तो डरना नहीं है, जो आदमी डर करता है, डर लगता है लोगों से बात करने में, शर्म करता है, गरीब रह जाता है। अगर मैं डरता नहीं बिजनेस में तो हमारा टीम नहीं होती, आपके पास जब भी कोई भी ट्रेनिंग आए ट्रेनिंग पास होना चाहिए, फॉर्मल पैंट शर्ट होना चाहिए, शूज होना चाहिए, टाई होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, ट्रेनिंग रजिस्टर जरूर हो, क्योंकि यही ट्रेनिंग रजिस्टर आपको कल को बहुत बड़ा टीम बनाने में मदद करेगा। पेन होना चाहिए, स्टेपलर होना चाहिए, फेविस्टिक होना चाहिए और हमारी कंपनी का प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, EPLL और प्रोजेक्ट स्मार्ट। लोगों को जब दिखाए तो रिटर्न में उनको दिखना चाहिए कि आप क्या दिखा रहे हो, जैसे कि फॉलोअप की जरूरत पड़ता है। तो ये टूल्स भी आपको तैयार करने, ये टूल्स होना चाहिए। देन जब भी आप इन्वाइट करने जाएंगे ड्रेसअप खुल जाएंगे, ठीक ठाक ड्रेसअप, ओके ये लिख लीजिए, ड्रेसअप आपका ठीक ठाक होना चाहिए। जब लोगों को इनवाइट करें आप फुल जोश और एक्साइटमेंट, रोते हुए बिलखते हुए आप करेंगे कोई नहीं आएगा। आप सोना बेच रहे हो रेडी पे, सोना ले लो कोई लेगा आपका, उसका गलत जगह पे आप सोना का बेचो बोलेगा पीतल बेचो, लेकिन आप पीतल को शोरूम में सजा दो लोग उसको देख के लगता भाई ये क्या करता, पहले तो ये मेरे साथ ही घूमता था बट ऐसे तो नहीं घूमता था, ऐसे चेंज किया है इसके अंदर, बातों में चेंज है, बॉडी लैंग्वेज में चेंज है। उसको देख के उनके लोग आपसे पूछ लेगा भाई क्या कर रहा है आजकल, हो गया ना इन्वाइट इतना पूछ लिया तो हम क्वेश्चन ही नहीं पैदा कर रहे लोगों के अंदर अपने अंदर चेंज लाते। तो चेंज लाना होगा और चेंज आता है जब आपका ड्रिंक अच्छा होगा और ड्रिंक्स के लिए काम करेंगे। यस सर, इनवाइट करते टाइम आपका आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, कई लोग इनवाइट करते देखते कहीं और बोलते हैं जिससे आई कॉन्टेक्ट बना के लोग और ऐसा ना घूमने वाला प्रॉपर सही लगना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस में इन्वाइट कर, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और बाकी डोंट फियर, डरना ही नहीं है, डरोगे तो नहीं होगा आपका, कोई भी नहीं आएगा आपके प्लान्स को देखने के लिए, इन्वाइट करेंगे आप। इन्विटेशंस का तो बहुत बड़ा लंबा प्रक्रिया है और ये किसी दिन और भी हम टाइम निकालेंगे तो आपको जरूर मैं बोलूँगा कि वो सारे चीज़ें को पढ़ के अच्छे से वन बाई वन समझाऊँगा, लेकिन एक क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में
इनवाइट किया और आप अच्छा कर सकते हैं। मैं जरूर उस लाइन को पढ़ के आपको समझाऊँ कि आप उसको लिख सकते हो आराम से बुलवा में, ताकि आप लिख भी लें और आप इन्वाइट करेंगे तो आपको इन्वाइट ही जरूर क्लासों में देखना आएगा। स्टार्ट करें। क्या आप भी अपने एक और इनकम शुरू करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने एक और इनकम शुरू करना चाहते हैं? बढ़े आगे। क्या आप अपनी पढ़ाई के साथ इनकम शुरू करके सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए? क्या आप भी खुद का बिजनेस एक बड़े ब्रांड के साथ शुरू करना चाहते हैं? सर जी दूसरा क्या होगा? क्या आप अपनी पढ़ाई के साथ इनकम शुरू करके सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं? अगर मैं ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड को बोलूँगा तो क्या वो पूछेगा नहीं क्या? यस सर। आप बोल जैसे सामने वाला पूछा क्या आपका काम हो गया। आप बोलो तू बता भाई तू संडे को खाली है बुधवार को खाली है? बोला भाई संडे को खाली हूँ। एक काम कर तू मेरे घर से आ जा शाम को चलते समझेंगे क्या है। इनवाइटी करना है उसको प्रेजेंटेशन नहीं देना समझ रहे मेरी बात। शादी के कार्ड देने जाते हैं हम लोग घर हम बोलते हैं घोड़ी वाला वहाँ से आएगा ठीक है ना ये बोलते हैं वाला वो रमेश आएगा ठीक है ना ऐसा बोलते हैं टेंट वाला वो हमने रतन को बुलाया है ऐसा बोलते हैं कार्ड देते हैं बोलते हैं फैमिली के साथ आप इतने तारीख बस कार्ड देते हैं पूरा कहानी नहीं समझाते। इनवाइट करने टाइम पे पूरा कहानी नहीं समझाना इनवाइट करने शॉर्ट फॉर्म जी सर ठीक है जी। यस यस सर। तीसरा क्या है तीसरे नंबर पे? जी सर दो बता दिया आपको। तीसरा है क्या आप भी अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं या उसमें एक्योर क्या आप भी अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाए या अपने सपने को पूरा कर इस तरीके से इस न्यूट्रिशन का लाइन बनाया गया। क्या आप भी अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाए? जो आपका गोल होगा जो आपका लक्ष्य होगा हर पूछो क्या पूछो ना आपको कुछ तो बोलोगा ना अपने लिए अपने लाइफ के लिए अपनी फैमिली के लिए क्या बोले उसको डेवलप करना चाहते हैं आप। हमारे यहाँ पर इसी हफ्ते संडे वाले दिन लोधी रोड पे एक इसी तरीका का प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पर आपको सुनने और समझने का मौका मिलेगा और डेवलप होने का मौका मिलेगा। इनवाइट करने का भाई जोर होना चाहिए आपके पास। इस तरीका से दो तीन क्वेश्चन में मैंने बताया कि इन्विटेशन कर सकते हो और आप चाहो तो अपने तरफ से और भी इस तरह क्वेश्चन वाला इन्विटेशन बना सकते हो ताकि और लोगों को इन्वाइट किया जाए और क्लाइंट्स में ला सकते हो। क्योंकि ये जो ड्रीम है ना वो लिस्ट से जुड़ा हुआ है और ये भी आपका ड्रीम इन्वाइटी से जुड़ा हुआ है। जब आपका इन्वाइटी आया तो क्लाइंट्स हो यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको प्लान शो करना आता पूरा हाथ उठाओ अच्छे से बाकी लोगों को देख पाएगी जिनको नहीं आता वो कौन लोग हैं आपको क्यों नहीं आता आप बाकी लोगों को रखना क्यों नहीं आता स्टेज पे मैंने कहा बोला करने के लिए आपको मैंने बोला वन टू वन करो ना बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं सीखना यस सर हाँ जी बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं यस सर पांच पेज पर क्लास होता है
फाइव पेज का प्लान शो, सभी प्लान शो स्टार्ट होता है। फर्स्ट पेज वीआईपी समझाते हैं, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है ये समझाते हैं पांच फर्स्ट पेज को, देन हम समझाते हैं कंपनी प्रोफाइल, तीसरा समझाते हैं प्रोडक्ट और सर्विस, चौथा समझाते हैं इनकम प्लान और पांचवा सीनियर पे स्टोरी या डिसीजन बोल सकते हो डिसीजन, और जो हो गया प्लान शो समझ लेना आप कामयाब होंगे। क्योंकि सारा बिजनेस ही प्लान शो में, ऑल स्मार्ट वर्किंग प्लान शो में। कंपनी प्रोफाइल का बताते हैं, प्लान शो बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कहाँ बताते हैं, सीनियर के डिसीजन कहाँ बताते हैं, बताते हैं इनकम प्लान कहाँ बताते हैं। तो भाई सबका एक ही है ना चाबी, जिस दिन प्लान शो देने लग जाओगे आपका बिजनेस आपका काम आगे डेवलप होगा। क्या समझ में आई मेरी बात? प्लान शो के बाद जो अगला कदम है फॉलोअप करना। जब तक आप फॉलोअप नहीं करोगे कोई भी आदमी बीडी देने नहीं आएगा। यस, फॉलोअप आना चाहिए आपको। और फॉलोअप जो होता है प्लान शो देखने के चार घंटे के अंदर, हार्डली टू हार्डली 12 घंटे, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो 24 घंटे, उससे ज़्यादा लेट मत होना, नहीं तो इन्वाइटी नहीं प्लान में स्टार्ट करेगा। और ऐसे हजारों इन्वाइटी देखा तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने लोगों को डिसीजन में हेल्प नहीं कर रहे। फॉलोअप के मतलब होता है, पता क्या होता है, डिसीजन में हेल्प करना, डिसीजन लेने में मदद करना। और इस पर बहुत सारे पॉइंट है लेकिन आज टाइम का शॉर्टेज है, क्योंकि सेंटर्स को थोड़ा और ज़्यादा चमकाया जा रहा है, उसके लिए सारे आयोजेंट में सबको डिजाइन करनी चाहिए। और टाइम का शॉर्टेज है, मेरे पास वो लेटर आ चुका है सर का, तो मैं उसमें क्योंकि ये खुद ही पांच चीज मैंने समझाया, 1, 2, 3, 4, 5 दस घंटे की ट्रेनिंग है ये, अपने आप में 2 घंटे इसमें टाइम लगता है। यस सर, अपने आप में ये 2 घंटे का ट्रेनिंग है, जो कि मैंने आपको सिर्फ मेन फंडामेंटल आपको डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक ट्रेनिंग लिया है अपने अपलाइन के साथ, जिसको आपको फॉलो करना है। जो आपको अप्लाई में बेसिक ट्रेनिंग दिया है उसी बेसिक ट्रेनिंग को फॉलो करना है आपको अच्छे से। यस सर, और ये बेसिक ही है जिससे आपको तरक्की होगा। अब क्या होता है, अब बहुत लोग बोलते हैं सर क्या हर ट्रेनिंग में आप बेसिक सिखाते हो, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, कुछ और तो सिखाते हो सर, यही बुला लेते ये बोलने के लिए। आप मुझे बताओ कितने लोगों का 20 साल वाला है, 20 साल इसका होगा एज? हाँ आपका हो गया, ठीक है। और कोई है? और कोई है 18 साल? 19 साल? आप मुझे बताओ कितने भी लोग हो यहाँ पर, मैं समझाना चाह रहा हूँ, पिछले 20 साल से आपसे देख के शर्म नहीं आ रहा, उससे बोलने वाले आप नया लगवा लूंगे, बताओ पूरी जिंदगी एक आंख से देखते हो बोलते हुए। और ये आप नहीं होगा तो हम कुछ सारी दुनिया देख ही नहीं पाएंगे। और ये काम नहीं होगा, सुनी नहीं पाएंगे, इसी काम से पूरी जिंदगी सोचा बोल होते क्या आपके मम्मी पापा से बोल हो जाते हैं? हम बोले नहीं ना, मम्मी पापा को बदलो ले लो होते हैं। तो भाई और बहन जो बेसिक्स है ना, यही आपका सफलता का कुंजी है, ये समझ लेना स्मार्ट वैल्यू में। और आपको सच में कामयाब होना है ना, इसको अच्छे से अपने अंदर ढाल लो, अपने अंदर टूट टूट के भर लो, ये बेसिक किया है क्योंकि आपको कामयाब कर सकता है। और कोई रास्ता नहीं है स्मार्ट वैल्यू में, हफ्ते का 1.5 लाख कमाना और महीने का 6 लाख रुपये कमाना। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए ना 100 करोड़% कमा सकते हैं। यहाँ पर मौका है आपके पास,
कि आप एक साल ले, दो साल ले, तीन साल ले, चार साल ले, पाँच साल ले, सात साल ले, दस साल लगे ही आप टॉप पे पहुंच सकते हो। मौका है आपके पास, इस बिजनेस को हटा दो जिंदगी से। आप बता दो जो भी आपका स्टेटस है, फैमिली का, मम्मी का, पापा का, आपकी टैलेंट जो आपने एजुकेशन ली है, कितने दिन में आप 1 करोड़ रुपये कमा सकते हो? मुझे ये पता है हमारे दूसरे का, जो जिस घर में रहते हैं ना, घर में एंट्री करते घर खत्म हो जाता है। yes, sir. और जो भी घर है जिसका अपना है ना, कई लोगों का अपना है, कितने लोग यहाँ पे जिसका अपना घर है? क्या आपका अपना ही नहीं है? दुनिया में याद वो रखा जाता है, क्या आपको मिला वो नहीं रखता? कोई याद क्या दे के जा रहे हो, याद वो रखेगा? समझ रहे हो मेरी बात? yes, sir. तो सिस्टम में कामयाब होने के लिए आए हो ना, चीजों को फॉलो करो अच्छे से। yes, sir. और ये बेसिक चीज को अगर आपने ढंग से कर ली, आपका बिजनेस भी तेजी से तरक्की करने लग जाएगा। ये 5 पिलर आपको कामयाब कर सकता है और सफल बना सकता है और करोड़पति बना सकता है। किसी को डॉट है तो मैं लिख के दे सकता हूँ। सिस्टम के अकॉर्डिंग आप 5 से 7 साल कंफर्टेबल ढंग से, दोस्त यार रिश्तेदार पड़ोसी, होली दिवाली दशहरा ये सब छोड़ना पड़ेगा। yes, sir. आप उनसे मिलो तो सीए की पढ़ाई करता है 24 घंटे में, कम से कम 18 घंटा पढ़ते हुआ आदमी चश्मे चढ़ जाता है, तब जाके सीए तैयार होता है। जो आईएएस के आईपीएस की तैयारी करता हूँ उनसे पूछो ना कितना वो कोचिंग करते हैं, 16-16 घंटा पढ़ते तब जाके आईएएस बनता है। पर लाखों रुपये लगाना भी पड़ता, सिर्फ पैसे करने से नहीं हो जाता। yes, sir. पैसे भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, तब जाके वहाँ एक आदमी वैल्यूबल बनता है। आज इस बिजनेस में हम लोग का कोई वैल्यू नहीं होता। भाई मेरा क्या वैल्यू था? 1700 रुपये कमाने वाले का वैल्यू था मेरा। स्मार्ट वैल्यू ने मुझे वैल्यू बना कर दिया, क्योंकि मैंने स्मार्ट वैल्यू में दिल से काम किया। yes, sir. आपको भी अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करना है, अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना है, अपनी फैमिली लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है, तो इस बिजनेस को पूजा करने की जरूरत है और दिल से करने की जरूरत है, रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। और बहुत कम एज में, सही एज में स्मार्ट वैल्यू में आ चुके हो आप लोग। अगर इसको रिस्पेक्ट कर लिया और 5 से 7 साल दिल से कर लिया तो 100% आप कामयाब होंगे। लेकिन चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगे, परेशानी आएगा, हर काम में आता है। बता दो कौन से काम में नहीं आता? नौकरी भी करता है वहाँ भी आता है, आदमी का काम गलत होता है, सैलरी कट जाता है, अगले भी छोड़ देता है। क्या जॉब शोरूम खोल के इंसान बैठा रहता है, कस्टमर नहीं आता, पूरे दिन बिजली पानी वर्कर का सैलरी सब देता है, क्या बंद कर देता है क्या? नो सर। लेकिन आपका जब इनवाइटी नहीं आता संडे, तो आप बोलते हो हमारा इनवाइटी नहीं, तो हम क्या क्या करेंगे? ये हम सबसे बड़ा अपनी कॉमेंट सुनानी मारते, इनवाइटी नहीं बिजनेस शुरू किया है आपने, शुरू किया बिजनेस आपका बिजनेस है, आपको आना जरूरी है क्लासों में, आपको आना जरूरी है ट्रेनिंग्स में। और जो भी कर रहे हो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप जॉब कर तो कुछ भी कर रहे हो, आप उसके साथ में स्मार्ट वैल्यू किया जा सकता है। yes, अगर आपका सोच होगा कामयाब होने का। क्योंकि हर स्टूडेंट के पास भी ना 4 घंटा डेली बचता है, स्कूल कॉलेज करने के बाद भी 4 घंटा तो है, और उस 4 घंटे में इस 5 पिलर को फॉलो किया जा सकता है। टाइम है, लेकिन सिर्फ आप ओवर थिंकिंग करने में, सोचने में, सोशल मीडिया में, मोबाइल चलाने में, मोबाइल में दूसरों को जिंदगी में झांकने के लिए हम पे टाइम होता है, वो क्या होता है उसका इंस्टाग्राम, दूसरों का जिंदगी में झांकते हो आप, दूसरों का स्टेटस देखते हो आप, दूसरे मुंह टेढ़ा आकर कैसे फोटो लेते हो, समझ रहे हो भाई? आपको दुनिया देख के ऐसा बनो ना, आपको फॉलोवर बने ना लोग, ऐसा बन के दिखाओ ना अपने आपको। तो इन सब चीजों से गरीब रह जाओगे लोग, अपना बिजनेस को डेवलप करें, स्टेटस को अच्छा करें, दुनिया आपको फॉलो करेगा, आप जिस दिन पैसा कमा लोगे। yes, जिस दिन आप कामयाब लोग का आदमी फॉलो करता है, उनको बुलाता है, उनको पूछता है लोग, तो कामयाब हो जाओ ना पहले। yes, 5-7 साल इन सब चीज को लीड मारना है। जो काम था मेरे मोबाइल में एप्पल जैसा फोन है मेरे, इसमें 3 ऐप में चलाता हूँ, 2 से 3 ऐप चलाता हूँ, मेल जिसको मुझे कंपनी को कोई मेल करना हो, वो व्हाट्सअप और एक मैसेज वाला, भाई मैसेज देखना जरूरी है कौन सी बैंक में कितना पैसा कंप्लीट किया, क्योंकि आज पूरी फैमिली का आईडी मेरा। yes. अकेला एक आईडी पे नहीं कर रहा हूँ, ऑल फैमिली, लगभग नहीं कुछ तो 10-12 आईडी तो है मेरा फैमिली,
आपको है ही नहीं बचाने, आप किसको जंग कराओ। तो ये बिजनेस दिल से जिस दिन करोगे तो अपना आईडी भी होगा आपके पास और काम भी करोगे। तो आप चेंज कीजिए खुद को और आगे लेकर आइए। क्या करेंगे? यस सर। आप क्या मुंह से बोलो, दिल से बोलो। ये आपको नेक्स्ट वीक, ये जो हमारा वहाँ उत्तर क्लोजिंग है ना, ये शनिवार को क्लोजिंग दिखेगा, क्या पे क्लोजिंग करने वाला है, और उसके बाद संडे वाले दिन प्लान शो में दिखेगा। देखो एक तो होता है काम किया पर मेरा नहीं हुआ, वो अपने आप भाव पता चल जाता प्लान को, भाई ये मेरे टीम में जुझारू लड़का है या ये लड़की है, मेहनत कर रही है पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही, आज नहीं तो वो बढ़ जाएगा, उसके पास मौका है।